people. You worked hard, you succeeded, and now is the time to celebrate. This day signifies a new beginning for each and every one of you. From tomorrow, new challenges are awaited. Enjoy your day of celebration. Today is your day, the day of convocation. This day is also important for the Tilka Gandhi Bhagwanpur University, the alma mater. The alma mater feels proud seeing the young boys and girls in flying colors and to begin a new journey. You are the pride of the alma mater, the Tilka Gandhi Bhagwanpur University. The motto of our alma mater, Tamsoma Jyotir Gamaya, from darkness, lead me to the light, and the dark will prakash kiyo le chale. And the alma mater has proved it. The alma mater affects eternity. One can never tell where the influence ends. Once more, congratulations to all the degree holders. Hello. एक अनुरोध और मैं करूँ, पालनकर्ता और मंच में उपस्थित हमारे जो सम्मानित जन हैं, कृपया कुछ अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनेंगे। उपाधिकर्ता कृपया उपाधि प्राप्तकर्ता मंच पर प्रवेश करेगी तो हम अपने निर्धारित स्थान पर खड़े हो जाएंगे। समस्त जनों से अनुरोध है कि कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। जब दीक्षांत की शोभा are strictly prohibited. If at all you have missed and brought your camera and your mobile, kindly switch it off to the silent mode during the program. Don't spoil the decorum. Each one of us are expected to maintain silence. The NSS and the NCC cadets, kindly help them to take their seats. A very important instruction, rise up, that is stand up at your place when the academic students actively participated in 8-year-old Sharam. Environment friendly measures are also organized as go green, plantation is a regular feature. Even the anti-plastic rally was also taken up. शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ परिवर्तित और संवर्धित होती है, साथ ही सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया भी करती है। अतः सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास को आगे बढ़ाने हेतु उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की आवश्यकता है। अपने उद्देश्यों, आदर्शों एवं जीवन निर्माण के नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना में सतत प्रयत्नशील रहते हुए आज यह संस्था अनुसंधान, उच्च स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण एवं जीवन मूल्यों के विकास में अग्रसर है। पठन पाठन का समुचित वातावरण बनाने में विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पाठ्यक्रम को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से संशोधित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध प्रतिष्ठित पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए से पासवर्ड भी प्राप्त हो चुका है। साथ ही स्नातक स्तर पर सत्र नियमित हो चुके हैं तथा निरंतर स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय
विद्यालय के विकास गतिविधियों की नियमित प्रगति और विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यान्वयन प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। हमारा विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन कराने वाला बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है तथा नैक एक्रेडिटेड डी ग्रेड प्राप्त है। एनसीसी के स्वयंसेवक, एनसीसी के कैडेट्स और समस्त दायित्व प्रोपर्टीजन, कृपया अपने दायित्व पर सजग रहें। समस्त रिसिपिएंट से अनुरोध है कि वे अब किसी भी परिस्थिति में अपने निर्धारित स्थान के अलावा दूसरी जगह नहीं रहेंगे। शपथ पत्र उन्हें दे दिया गया है। दो बातों पर ध्यान देना है। समस्त जनों से अनुरोध है, महत्वपूर्ण सूचना, कुलगीत के बाद हम कर्तव्य ध्वनि नहीं बजाएंगे। और दूसरी बात, इधर दीक्षांत की आकर्षक शोभा यात्रा का आगमन और प्रस्थान होगा। आदरणीय कुलपति महोदय, शाही स्थान और शाही अंदाज के साथ हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय, महामहिम कुलाधिपति के प्रधान सचिव, हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे सम्मानित अतिथि, पूर्व कुलपति, विद्वत परिषद के माननीय सदस्य, अधीक्षक के माननीय सदस्य, अभिषेक के माननीय सदस्य, शक्ति, स्फूर्ति और उत्साह के साथ ये शोभा यात्रा अग्रसारित होगा। इस गरिमामय शोभा यात्रा का हार्दिक स्वागत है।
चुकी है अंग की पावन धरती पर हम महामहिम कुलाधिपति महोदय को अपने बीच पाकर आह्लादित हो रहे हैं। हम अंग की धरती पर महामहिम कुलाधिपति का अभिवादन और नमन करते हैं। उनकी कृपा और अनुमति से आगे के कार्यक्रम में हम प्रस्थान करते हैं। अब हम महामहिम से अनुरोध करते हैं कि वे अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन निवेदित करें। अमूल्य योगदान रहा है। ऐसे ही भारत के इस वीर सपूत अमर शहीद तिलका मांझी जी के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन निवेदित कर रहे हैं हमारे महामहिम कुलाधिपति। श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए माननीय कुलपति, माननीय प्रतिकुलपति, माननीय श्री दिलीप कुमार सिंह जी सर श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए अपने अपने स्थान पर हम बैठ जाएंगे। अब विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार